हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेड टिप्स चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने कुछ मुझे सवाल पूछे हैं ये अफलातून स्ट्रैटेजी को लेके। ये बहुत छोटा सा वीडियो लगा, बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा दोस्तों, लेकिन मैं उन सब्सक्राइबर का जवाब मैं यहाँ पे आज के इस वीडियो में देने वाला दोस्तों। तो कौन से वो सवाल थे तो यहाँ पे देख सकते हो। इन्होंने मुझे पूछा है हाइक एंड नशी क्यों यूज करना है, और एक नीचे है अर्पित करके, इन्होंने भी पूछा है कि बालकन इंडस्ट्री के बारे में कि वो बुलिश कैंडल होने के बाद भी स्टॉक वहां पे फॉल क्यों हुआ। तो ये दोनों भी जो सवाल थे दोस्तों, इनका मैं आज अभी इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे हमें जाना है स्टॉक एज के वेबसाइट पे दोस्तों। यहाँ पे हमें व्यू डिटेल्स करने के बाद यहाँ पे हमें आएंगे, और यहाँ पे हमें जाना है फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट प्राइस में। तो इन्होंने पूछा है कि 22 को स्टॉक क्यों फेल हुआ है। तो 22 का हम लोग चार्ट देखेंगे दोस्तों। तो 22 को स्टॉक फेल नहीं हुआ है, 21 को ये फेल हुआ था। और 21 का फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट प्राइस ये देखिए दोस्तों, ये पॉजिटिव में है। तो हमें एंट्री लेनी है 22 को दोस्तों। 21 का जो डेटा है वो मार्केट क्लोज होने के बाद ही वो रिलीज होता है, मतलब 3:30 के बाद ही वो डेटा आता है 21 सितंबर का। तो जब भी आप पोजीशन बनाओगे तो आपको 22 के लिए बनाना है, वो भी इन बिटवीन 3 से 3:30 बजे तक, इनके बीच हमें ही आपको एंट्री बनानी है। तो ये 21 का ये हो गया। यहाँ पे इस दिन फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट प्राइस पॉजिटिव में आया है, तो इस दिन हम लोग यहाँ पे एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे ये है 22 की कैंडल यहाँ पे, और यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है अराउंड क्लोजिंग प्राइस के आसपास जो है 2618। अगर हम लोग वहाँ पे एंट्री भी ले लेते हैं 2618 के आसपास, या आप बोल सकते हो 2600 पकड़िए दोस्तों, 2600 के अंदर आप यहाँ पे एंट्री भी लेते हो इस कैंडल पे, तो नेक्स्ट डे का जो क्लोजिंग प्राइस है आप देख सकते हो 81 है, 2681, मतलब 80 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो जाता है, वो भी दूसरे दिन। और तीसरे दिन भी कैंडल ने आपके बाइंग प्राइस के ऊपर ही क्लोज दिया है, और चौथे दिन भी बाइंग प्राइस के ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे स्टॉक कहाँ पे फेल नहीं हुआ है दोस्तों, यहाँ पे तो आपको उल्टा चांस मिला है बाइंग करने का, और आपको कम से कम यहाँ पे बोल सकते हो 3-4% का प्रॉफिट आपको यहाँ पे 2 या 3 दिन में हो जाता। उसके बाद में आप बोल सकते हो कि स्टॉक गिरा है, नहीं गिरा है, इसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है दोस्तों। ये देखिए इस दिन की जो कैंडल है, इसका लो ब्रेक हुआ है यहाँ पे 25 अक्टूबर को, उसके पहले तो ये बॉक्स में ही ट्रेड कर रहा था। तो आपके पास यहाँ पे चांस था यहाँ से बाय करके इस कैंडल तक बेच निकली हो। तो स्विंग ट्रेडिंग का यही मतलब होता है, आपको प्रॉफिट हो जाता है 3 या 4%, आप वहाँ पे डेफिनेटली एग्जिट ले लो। और जो सेकंड क्वेश्चन था दोस्तों, ये जो है हाइक एंड नशी, तो ये जो कैंडल है दोस्तों, ये हाइक एंड नशी में देखिए थोड़ी सी डिफरेंट दिखेगी, तो मैं उससे ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, तो यहाँ पे भी मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये आप अगर नॉर्मल कैंडल लोगे दोस्तों, तो देखिए ये 22 की जो कैंडल है, देखिए आपको ऊपर भी वीक है नीचे भी वीक है, तो इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, और मैं ज़्यादा इससे फेमिलियर नहीं हूँ नॉर्मल कैंडल से। और यही अगर कैंडल हम लोग हाइक एंड एसी में देखेंगे दोस्तों, तो थोड़ी सी डिफरेंट आती है, और वहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि देखिए नीचे साइड कोई वीक नहीं बनी है, सेकेंड डे भी नहीं बनी है। तो ऐसे जो हाइक एंड एसी का जो कैंडल्स का जो तरीका है, उससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि स्टॉक में बने रहना। अगर वहाँ पे नीचे भी गिर जाते तो मैं डर के मारे वहाँ पे अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करता, और जो मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है अगले 2-3 दिन में वो मैं मिस कर देता, इसलिए मैं हाइक एंड एसी यूज़ करता दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मेरे आंसर अच्छे लगे होंगे दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो वीडियो है ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।